जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी निराशपन आ रहा है, तो अपनी बाइक को लो और निकल जाओ। आपको ना आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे और उसके बाद आपको आगे बढ़ने की चाह मिल जाएगी। सो हे गाइज, माई नेम इज़ सैम, आई एम अ राइडर, आई डू ट्रैवल, कैंपिंग, कुकिंग वाइल राइडिंग एंड वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस थिंग, ऑल माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल राइडिंग विथ पेस। तो बेसिकली बचपन से सपना था बाइक चलाने का, और बाइक चलाते चलाते फिर ज़्यादा टाइम इसमें जाने लगा और मैंने सोचा कि यार घर भी चलाना है तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने अपने बाइक के पैशन को ही अपना वर्क बना लिया और आज अपने वर्क को और अपने पैशन को एक साथ इंजॉय कर रहा हूँ अपना ट्रैवल करके। तो सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, और आपको पता है ना, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो एक इशारा होता है भगवान का कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। तो सडनली नोटबंदी हुई, मेरा इवेंट्स का वर्क था वो पूरा क्रैश कर गया। देन फिर मेरे को घर भी चलाना है और अपनी वाइफ के साथ मतलब सब कुछ मैनेज भी कर रहे, तो वो मैं कैसे करूँ। तो उस टाइम पे इस बाइक ने और यूट्यूब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज अच्छे से स्टेबल हो पाया हूँ। जब सब कुछ सही हो गया ना, स्टेबल हो गया, उसके बाद भी पता है लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। सडनली मुझे पता लगा कि मेरे अल्ना बोन के अंदर ना ट्यूमर है, और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि बस अब तुम्हारा हो गया, अब तुम कभी ज़िंदगी में बाइक नहीं चला पाओगे और एंड ऑल इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मेरे को बोली। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ये आप देख रहे हो मैंने हाथ में बैंड पहना हुआ है, इसकी मेरी 1.5 इंची की बोन यहाँ से निकाल दी गई और ओनली जो रेडियस वाली जो बोन होती है वही बची। और एक शायद मेरे अंदर वो था कि यार जब किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाता ना, वो एक कीड़ा जग जाता कि यार वो करना ही करना है। तो विद इन अ वीक जब मेरे टाके कट गए थे, उसके ठीक 4 दिन बाद मैंने अपनी बाइक निकाली और बाइक निकाल के मैं निकल गया बाहर रोड पर राइड करने के लिए। जिस टाइम पर जिस प्रॉब्लम में मैं था, यही थी जिसने मेरे को सपोर्ट किया, मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। इसने मेरे को ना पीस में रहना सिखाया। इतनी प्रॉब्लम्स हुई, जब बंदा इरिटेट हो जाता है ना, चिल्लाता है यार बस करो, उस टाइम पे मैं अंदर तो चिल्ला रहा था बस करो, लेकिन इसकी शक्ल जब देखता था तो चेहरे पे स्माइल आती थी, और इसने मेरे को पीस में रहना सिखाया। जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी निराशपन आ रहा है, तो अपनी बाइक को लो और निकल जाओ। आपको ना आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे और उसके बाद आपको आगे बढ़ने की चाह मिल जाएगी। और मेन दिक्कत आती है यार कि इतना सारा लगेज लेके अगर सोलो राइड कर रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, तो कहीं बाइक गिर गई तो कैसे मैनेज करेंगे। तो बस एक यही चीज़ की प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम में पता है मेरे को क्या सीखने को मिलता है, जब तक गिरेंगे नहीं सीखेंगे नहीं। तो गिरने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आपको आगे बढ़ने का जज्बा देता है। तो कभी सोचना मत, अगर आप सोलो हो और आपका मन हो जाने का, बस निकल जाना बाइक उठा के। गिरोगे, हेल्प करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा, और गिरने के बाद ही आप सीखोगे कि मुझे आगे अब कैसे बढ़ना है। उस टाइम से ना व्लॉग देख रहा था कुछ बड़े यूट्यूबर्स के, तो वहाँ से मेरे को पता लगा XBHP के बारे में। जब मैंने देखा तो वो राइड ही ऑर्गेनाइज XBHP कर रहा था, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राइडर कम्युनिटी को जॉइंट करके रखता है और अच्छे सेफ्टी टिप्स भी देता है, राइड भी कराता है। तो मेरे को उन ब्लॉग्स के थ्रू XBHP के बारे में पता लगा, जिसने अच्छा खासा मेरे को मोटिवेट किया ये इंटरनेशनल राइड करने के लिए। तो लास्ट में सवाल आता है कि क्या मोटरसाइकिल ने आपकी लाइफ बचाई है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्सीडेंट होते हुए टाइम बचूँ। मेरा बिजनेस डूब रहा था, सब कुछ बंद था और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तब मोटर बाइक ने मेरे को ऐसा सहारा दिया कि मैं आज एक अच्छी जगह पर पहुँच गया हूँ। आई द बाइकर एंड दिस इज़ माई स्टोरी।